अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, आज रिव्यू टू हमने करनी है पेज नंबर 102 आपकी इंग्लिश की बुक के। तो क्वेश्चन नंबर वन है उसमें ए कि अंडरलाइन काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कलेक्टिव नाउंस। तो काउंटेबल नाउंस भी आपने पढ़ी हुई जिसको आप काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, एंड कलेक्टिव नाउन आपकी चीज़ों के मजमूए को जाहिर करती है। तो फर्स्ट है वो कहता है आई लाइक हनी वेरी मच, तो हनी को आपने अंडरलाइन इसमें कर लेना है। नंबर सेकंड आपका द टीम वाज हैप्पी टू विन द मैच, तो इसमें टीम और मैच को आपने अंडरलाइन कर लेना है। नंबर थर्ड है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो एप्पल और डॉक्टर इसमें आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है। नंबर फोर्थ में है शी ड्रिंक्स कोल्ड वाटर, तो इसमें आपने वाटर को अंडरलाइन कर लेना है। नंबर फिफ्थ है आपके पास कि देयर वाज अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द स्ट्रीट, तो इसमें क्राउड एंड स्ट्रीट को आपने अंडरलाइन कर देना है। तो ये आपकी काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कलेक्टिव नाउन्स इसमें यूज़ हुई हैं जिनको हमने अंडरलाइंस कर लिया। तो बी पार्ट है वो देखें, वो कहते हैं चेंज द जेंडर एंड री राइट दीज सेंटेंस, तो आपने इसका जेंडर तब्दील करना है। जेंडर आपके कहते हैं जैसे आप समझ लें इसको, अब एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, तो दोनों के जेंडर में फ़र्क होता है, ठीक है जी। तो आपने इसमें वही जेंडर को तब्दील करना है। उसने क्वेश्चन आपको फर्स्ट दिया हुआ है कि ही इज़ नॉट एज़ हैप्पी एज़ हिज ब्रदर, तो ही आया हुआ है ही इज़ नॉट हैप्पी, तो आपने यहाँ पे लगा देना शी इज़ नॉट हैप्पी, आपने ही की जगह शी का यूज़ कर दिया। नंबर सेकंड है माय मदर लाइक्स टी बट माय फादर लाइक्स कॉफ़ी, तो माय मदर की जगह आपने लिख दिया माय फादर। नंबर थर्ड है हर ग्रैंड मदर टेल्स हर मैनी स्टोरीज, तो हर ग्रैंड मदर की जगह आपने हिज ग्रैंड फादर कर देना, ग्रैंड मदर की जगह ग्रैंड फादर। नंबर फोर्थ है वी हैव मैनी कुक्स एंड ऑक्सन इन आवर फॉर्म, ठीक है जी। तो इसकी जगह आपने वी हैव है तो आपने ही हैव कर देना है। नंबर फाइव है आपके पास योर ब्रदर इज़ टू ईयर यंगर दैन योर सिस्टर, तो योर ब्रदर है तो यहाँ पे आपने लिख देना योर सिस्टर, आपने इसका जेंडर तब्दील कर दिया, ही को शी में कन्वर्ट कर दिया। नंबर सी है वो कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस, तो आपने इसमें प्रोनाउंस लिखनी है। तो देखिए नहीं, फर्स्ट पे उसने दिया हुआ डैश गोज़ टू द मार्केट, तो डैश आया हुआ है इसमें ही भी जा सकते हैं एंड शी भी जा सकता है, तो आपने दोनों लिख दिए मैंने यहाँ पे कि ही या शी गोज़ टू द मार्केट। नंबर सेकंड है सना सेज़ दैट दिस बैग इज़ हर्स, तो यहाँ पे आपने डैश में हर्स लिखना है। नंबर थर्ड है आई हर्ड अ साउंड इन द रूम बट देयर वाज नोबडी इनसाइड, तो इस डैश में नोबडी आ जाएगा। नंबर फोर्थ है आई रॉट दिस स्टोरी माई सेल्फ। नंबर फाइव दिस बुक इज़ माइन नॉट योअर्स, इस डैश में योअर्स आ जाएगा। इसके बाद डी पॉइंट है वो कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट, आपने प्रपोजिशन लगानी है। नंबर फर्स्ट है वो कहता है वी लर्न टू कुक डैश आवर मदर, तो वी लर्न टू कुक फ्रॉम आवर मदर, यहाँ पे आपने फ्रॉम को लिख लेना डैश में। नंबर सेकंड है ही इज़ इंटरेस्टेड डैश स्टैम्प कलेक्टिंग, तो इंटरेस्टेड इन स्टैम्प कलेक्टिंग। नंबर थर्ड है ही हैज़ नॉट रिटर्न टू मी डैश मैनी वीक्स, फोर मैनी वीक्स, तो यहाँ पे आपने फोर को लिख लेना है। नंबर फोर में है टर्न राइट डैश द जंक्शन टू गो टू द बैंक, तो इसमें आपने लिख देना है टर्न राइट एट द जंक्शन, तो एट लगा लेना। इसके बाद नंबर फिफ्थ दिया हुआ उसने शी वॉक्ड डैश द हॉस्पिटल, तो आपने लिखा शी वॉक्ड टू द हॉस्पिटल, इस तरीके से आपने कंप्लीट कर लेना। ई को देखते हैं वो कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद कैन मे शुड और मस्ट, तो आपने ये वर्ड्स का इनमें यूज़ करना है। नंबर फर्स्ट है डैश आई हैव अ लुक एट योर पैराग्राफ, तो इसमें मे आएगा। नंबर सेकंड है द न्यू कैप्टन डैश रन वेरी फास्ट, इसमें कैन आ जाएगा। नंबर थ्री यू डैश फिनिश योर होमवर्क ऑन टाइम, तो मस्ट आ जाएगा। नंबर फोर्थ है यू डैश नॉक बिफोर यू एंटर द रूम, यहाँ पे शुड का यूज़ होगा आपके। एंड नंबर फाइव है फाकिर डैश स्विम बेटर देन हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे कैन का यूज़ हो जाएगा क्योंकि ये आपने पढ़े हुए हैं पहले। तो इसके बाद देखते हैं जी ई पार्ट में कहते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट, तो एडजेक्टिव आपने इसमें लगानी है। तो नंबर फर्स्ट है वो कहते हैं माई फादर इज़ योर इज़ फोर ईयर्स डैश देन माई मदर, तो ओल्ड दी हुई है तो आपकी ओल्डर बन जाएगी, यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ होगी। नंबर सेकंड है ज़ारा इज़ द डैश गर्ल इन द क्लास, तो टॉलेस्ट बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। नंबर थर्ड है सलमान इज़ डैश हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, सलमान इज़ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ठीक है जी। नंबर फोर्थ है आपकी फातिमा इज़ द डैश ऑफ द सिक्स चिल्ड्रन, तो यंगेस्ट बन जाएगा आपका।
नंबर फाइव है दिस इज़ द डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी आई हैव ओवर रीड मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। जी पार्ट पे चलते हैं, वो कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट एडवर्ब। तो एडवर्ब उसने दी हुई है आपको यहाँ पे। नंबर फर्स्ट है शी वेंट, एडवर्ब ऑफ टाइम आपने लगानी है, यहाँ पे आपने अवे का यूज़ कर दिया। नंबर टू है ही लिव्स डैश, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस लगानी है आपने, तो यहाँ पे आपने लिख दिया हेयर, ही लिव्स हेयर। नंबर थ्री है दे वॉक, एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ करना है इसमें, तो आपने लिख दिया नाइसली। नंबर फोर्थ है सना डैश गेट्स गुड मार्क्स इन टेस्ट, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी लगानी है यहाँ पे, तो ऑफन लगा दिया आपने। नंबर फिफ्थ है आपका द स्टोरी इज़ डैश इंटरेस्टिंग, एडवर्ब ऑफ डिग्री लगानी थी तो आपने यहाँ पे वेरी लगा दिया, वेरी इंटरेस्टिंग। ई पार्ट में वो कह रहा है कि जॉइन टू सेंटेंस इन ईच पेयर यूजिंग द कंजंक्शन, कंजंक्शन को यूज़ करके आपने इन दोनों को मिलाना है। कंजंक्शन उसने आपको आगे मैंशन की हुई है, तो यू विल सक्सीड, यहाँ से इफ़ उठाना है आपने, इफ़ यू वर्कड हार्ड, आपने दोनों को मिलाने के लिए इन कंजंक्शन का इफ़ बट बिकॉज का यूज़ करना है। फर्स्ट में इफ़, सेकेंड में बट, एंड थर्ड में बिकॉज, इसी तरीके से एज सो ऑन इसको यूज़ करना है। नंबर आई पर चलते हैं, कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस आपने इसमें लगाना है। नंबर फर्स्ट है अली डैश टेक पार्ट इन रेस, तो अली विल टेक पार्ट इन रेस। नंबर टू है शी डैश बी मोर रेगुलर इन क्लास आफ्टर द वार्निंग, तो इसके साथ भी आपका विल का यूज़ होगा। आई के साथ आपका शेल का, आई शेल रीड मैनी स्टोरी बुक ड्यूरिंग समर वेकेशन। नंबर फोर्थ है दे विल होल्ड फन फेयर नेक्स्ट वीक। नंबर फिफ्थ पे ही विल विजिट अस सून। तो इस तरीके से आपकी ये रिव्यू एक्सरसाइज कम्प्लीट है, आपने इसको फिल कर लेना है और इनको अच्छे तरीके से आपको याद भी कर लेना है, ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं।